आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दावत स्पेशियल व्हाइट चिकन कुर्मा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो ये व्हाइट चिकन कुर्मा को बनाकर जरूर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन। तो चिकन को मैंने 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। नमक और नींबू का रस डालने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड पे अभी। और मैंने यहाँ पे ले लिया है अभी एक ग्राइंडर जार। अभी इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। तो सभी को ग्राइंडर जार पे डाल देंगे और डालने के बाद ढक्कन को बंद कर देंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी देख सकते हैं मैंने प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है। अभी एक बर्तन ले लेंगे, सभी प्याज को बर्तन पे निकाल लेंगे। तो मैंने सभी प्याज को बर्तन पे निकाल लिया है। तो अभी इस बर्तन को रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे 1 घंटे पहले काजू को भिगो के रख दिया था। काजू हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो अभी फिर से ग्राइंडर जार ले लेंगे, वही ग्राइंडर जार, इसमें काजू को डाल देंगे और काजू को अच्छी तरह से पीस लेंगे। अभी देख सकते हैं मैंने काजू को अच्छी तरह से पीस लिया है। अभी काजू को भी एक बर्तन पे निकाल लेंगे। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काजू की पेस्ट को बर्तन पे निकाल लिया है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है अभी दही। तो दही मैंने यहाँ पे 1 कप जितना ले लिया है। अभी इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, और उसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना भुनी हुई जीरे का पाउडर। और इन दोनों मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर ली है। अब इस बर्तन को रख देंगे साइड पे और गैस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप जितना डाल दिया है ऑयल, और ऑयल को अभी हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे कुछ साबुत मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और तेजपत्ता। इन मसाले को डाल देंगे और डालने के बाद इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो जो प्याज को ग्राइंड करके रखा था ना, प्याज को डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद ना प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। अभी देख सकते हैं प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैंने 2 मिनट तक प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। तो अभी इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है। अभी अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो सारा चला जाए। तो मैंने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे चिकन जो मैरिनेट करके रखा था, और चिकन को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च को दरदरा सा कूट लिया था, वो डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ढक्कन से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो मसाला है और चिकन है वो थोड़ा सा पक जाए। तो अभी 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएँगे और अभी फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अभी आप लोग देख सकते हैं चिकन का जो पानी है वो निकल रहा है। तो चिकन जो है हमारा आधा पक चुका है। तो चिकन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी पक जाता है। और मैंने अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। और मिक्स करने के बाद ना अभी इसमें डाल देंगे दही, जो दही मसालों के साथ मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे। और दही को डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे काजू की पेस्ट को, और डालने के बाद अभी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसमें फिर से डाल देंगे 1 कप जितना पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक मैंने पहले भी चिकन पे डाल रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डाला है, तो आप लोग ध्यान से डालना। और नमक डालने के बाद अभी फिर से ढक्कन से ढककर रख देंगे और धीमी आंच में इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो अभी देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा जो चिकन है वो लगभग पक चुका है, तो और 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। अभी 2 मिनट तक मैंने अच्छे से चिकन को और पका लिया है और पानी भी आधा हो चुका है। अभी देख सकते हैं चिकन जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। इस समय अगर आपके पास मलाई या फ्रेश क्रीम हो तो आप इसमें डाल लेना, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं डाला है। अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई हरा धनिया और अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अभी इसमें ऊपर से थोड़ा गर्म मसाला डाल देंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार व्हाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से घर पर आसानी से चिकन व्हाइट कोरमा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो ये व्हाइट चिकन कोरमा को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आसानी से बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।